शहर में दिनों दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। इसी बीच शहर की एक और योजना की चर्चा करनी जायज हो जाती है, जिसके तहत लोगों को सस्ते दरों पर पानी मुहैया करवाया जाना शामिल है। जहां महत्वाकांक्षी योजना में गर्मी के दिनों में प्यासे को पानी 1 रुपए की दर से मिलना था, वही अब लोग पानी की बोतल को लगभग 20 रुपए के दर से दुकानों से खरीद रहे हैं। आखिर जनता करे भी क्या, सरकार की सस्ती दरों के चक्करों में प्यासे तो मर नहीं सकती। जानकारी के मुताबिक शहर में 5 जगहों पर पानी की व्यवस्था के लिए मशीनें लगाई थी, जिनमें से आज कई मशीनें बंद पड़ी हुई हैं। पूरे मामले में सबसे आश्चर्यचकित बात यह निकलकर सामने आती है कि जिन विभागों के इसकी जिम्मेदारी होती है, उन्हीं विभागों में दिया तले अंधेरा पाया जाता है। यानी कि नगर निगम में जो मशीनें लगाई गई हैं, वो आज स्वयं ही बंद पड़ी हुई हैं। लेकिन निगम को यह तक होश नहीं है कि इन मशीनों को ठीक कराया जाए और गर्मियों में पानी की व्यवस्था की जाए। इस मामले में रायगढ़ महापौर जानकी काजू ने बताया कि हमारे नगर निगम द्वारा वाटर एटीएम लगाया गया है, उसमें 5 जगह लगा हुआ है, जैसे कि कबीर चौक में लगा है, केवड़ा बाड़ी में लगा है, नगर निगम में लगा है, और जैसे कि ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टेशन में लगा है और अम्बेडकर चौक में भी लगाया गया है। लेकिन उसमें का 3 चालू है, 2 खराब है, तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने नोटिस दिया गया है कंपनी को, ताकि वो आकर अपना मेंटेनेंस करे और बनाए। और आए दिन जनता को परेशानी हो रही थी, इसी को देखते हुए हम लोगों ने उसको नोटिस देकर तत्काल करने के लिए कहा गया। मैंने बताया कि उसके मेंटेनेंस के लिए भी कहा गया है, ताकि आम जनता को परेशानी ना हो, उसके लिए भी कहा गया है। जो खराब है उसको भी बनाने के लिए कहा गया है, और जो थोड़ा से भी दिक्कत हो रही है और पानी नहीं आ रहा है, उसके लिए भी उनको मेंटेनेंस के लिए कहा गया है। ऐसे ही वीडियो स्टोरी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।